बहुत भारी सा कोई सामान लेने, और वो सामान लेने वाली है मेरी दीदी। बहुत बड़ा जिगरा करके आई हैं और जीजा जी की जेब पूरी तरीके से खाली करने वाली है। तो हम आए हैं KTL। और दीदी कौन सी गाड़ी ले रही है? बलेनो। दीदी बलेनो ले रही हैं और बहुत प्यारा सा शेड ले रही हैं उसका। कौन सा शेड ले रही हैं आप? मैग्मा ग्रे। मैग्मा ग्रे, ओके। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और वो देखिए वहाँ गाड़ी खड़ी है और बस उसका जो भी पेपर वर्क है वो रेडी हो गया है। जी जी, आपकी नई कार आ रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये देखिए दीदी और जीजा जी अपनी कार के साथ, से हाय। बहुत 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 बधाई। और ये देखिए, हम लोग अंदर आ गए हैं और थोड़ी सी फीडबैक बाकी रह गई है, थोड़ी सी कॉपी वर्क बाकी रह गए हैं। और बच्चों 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 कैसा लग रहा है तुम लोग की नई नई गाड़ी आ रही है? तो अब ये लोग भी कार का मज़ा आनंद उठाएंगे। और मेरी कार आई थी ना, तो एक्चुअली वो मेरी इंगेजमेंट और शादी के बीच में आई थी, तो मैं वहाँ नहीं जा पाई थी अपनी कार रिसीव करने। तो मैंने सोचा आज मेरी सिस्टर इन लॉ की कार आ रही है, तो क्यों ना उनकी कार के साथ को देखा जाए चल के। तो ये देखिए यहाँ पीछे शूटिंग चल रही है, फ़ोटो शूट चल रहा है, एकदम धमाधम शूटिंग चल रही है। और यहाँ पर ना एक्चुअली लाइट कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही है, क्योंकि ये देखिए आप, तो न्यू कार की खुशी में थोड़ा हिप्पी फुर्रे हो जाए। सो गाइज, दीदी को ना एक्चुअली वाइट कलर में लेना था, बट अवेलेबल नहीं था, तो इस समय ग्रे कलर ही अवेलेबल था, तो इसलिए उनको ग्रे कलर ही लेना पड़ा। ये जो डिसीज़न होता है ना कार लेने का, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट मतलब आप जो भी गाड़ी ले रहे हो एक्चुअली से 6-7 ईयर्स, तो एटलीस्ट नॉर्मल भाई हम जैसे लोग, ये नहीं कि भाई हाईफाई हैं तो हम बदलते रहेंगे 2-4 महीने में, साल में, ऐसा नहीं है। तो हम लोगों को एक लॉन्ग टाइम तक कार चलानी होती है, तो उसके लिए हमें एक अच्छा डिसीज़न लेना पड़ता है कि हम कौन सी कार लें। तो बहुत सोच समझ कर ही गाड़ी लें। तो दीदी भी आज बहुत खुश हैं, वो दिन आ गया है, काफ़ी टाइम से बोल रही थी। सो देखते हैं अब। तो दीदी गाड़ी चलाना सीख रही हैं या फिर? सीख लिया। तो दीदी ने जो है पहले से पूरी ट्रेनिंग कर ली है, उन्होंने कारवा चलाना सीख लिया है, है ना? तो अब दीदी जो है बैठा बैठा के हम लोग को घुमाने वाली है, और हम लोग खूब लंबे लंबे टूर करेंगे अपनी गाड़ी से, दीदी की गाड़ी से, सब एक दूसरे के साथ घूमने चलेंगे, मस्ती करेंगे। तो अब बस फॉर्मेलिटीज़ वगैरह आई थिंक कंप्लीट हो गई, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब कार की वगैरह देते हैं, तो वो सब भी मैं शूट करूँगी आपके लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, दीदी को कार रिसीव हो रही है यहाँ पर, और बहुत खुशी का दिन है। सो गाइस, यहाँ दीदी अपना सिंगल फोटो शूट करा रही हैं कार की की लेते हुए, और फिर यहाँ पर दीदी ने मुझे भी बुला लिया कि तुम भी आके फ़ोटो सेशन कराओ। तो मैंने भी फ़ोटो सेशन करा लिया कार लेते हुए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और फिर यहाँ दीदी ने अपनी कार का उद्घाटन कर दिया, खुद कार चला। दोस्तों हम जा रहे हैं नई गाड़ी में बैठने, तो जय माता दी, जय माता दी। सो गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। गाड़ी चल पड़ी है और अब हम
हमेशा की तरह जैसे हम कोई नया सामान लेते हैं तो भगवान जी की पूजा करते हैं, तो अब हम चलेंगे मंदिर। मंदिर आज ही जाएंगे, तो आज हम मंदिर चलेंगे और उसका दर्शन भी कराएंगे। तो यहाँ ना क्या हुआ कि मंदिर गए थे, पर मंदिर में जो पंडित जी थे ना वो चले गए थे, तो हम लोगों ने वहीं से रोली लेके जीजा जी ने उसमें नमः और उसमें ओम वगैरह बनाकर उसकी पूजा कर दी अच्छे से, और बहुत सुंदर लगने लगता है अगर आप ये सब करते हैं। भगवान की पूजा से ही दिन शुरू होता है। और फिर दीदी हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रीट फूड में नाश्ता कराने ले आई थी, तो वहाँ भी हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें खाई। यू नो कितना ऑयली होता है, बट मज़ा भी आती है खाने में। पर यहाँ अभी दीदी का पूजा से मन नहीं भरा था, तो उन्होंने घर में आके अच्छे से फिर से अपनी कार की पूजा करी, क्योंकि वो नारियल लेना भूल गई थी फोड़ने के लिए। तो हर अच्छी चीज़ की शुरुआत नारियल से होती है, तो जब तक नारियल ना फोड़ो ना तब तक पूजा से सबका संपन्न नहीं। तो यहाँ जीजा जी ने नारियल फोड़कर पूजा को पूर्ण तरीके से संपन्न किया। सो गाइज बहुत सारी मस्ती किया, इन्जॉय किया हम लोगों ने, मंदिर गए आपने देखा ही, और हम लोगों ने गाड़ी ले ही ली, और फिर उसके बाद दीदी ने हम लोगों को स्ट्रीट फूड वगैरह खिलाए, बिकॉज आज उन्होंने बोला कि थोड़ी छोटी सी पार्टी करते हैं और फिर बाद में कार की बड़ी पार्टी करेंगे। और कार वगैरह आ गई, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।